बैक टू माई चैनल स्टोरी नंबर वन। तो एक बार क्या होता है, एक गांव होता है जिसमें कि एक घर होता है, मिडिल क्लास फैमिली का घर होता है। तो उसमें क्या था, उनका एक बेटा होता है जो कि एम ए करके है, पर उसको जॉब नहीं मिली। बहुत सारी जगह में जॉब में गया पर उसको सही जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिल रही तो सैलरी कम है उसके ऊपर। एक्चुअली उसको जो है ना फोकस जॉब में ही नहीं है, उसकी जॉब में फोकस है ही नहीं, उसको फोकस है बिजनेस करने की। पर बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, जो कि उसके पास था नहीं ज़्यादा। तो अब वो क्या करे, तब वो घूमते रहता था इधर से उधर। तो घर वाले, बाहर वाले, फैमिली लेस रिलेटिव सब उसको कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे कि क्या करेगा लाइफ में, कुछ नहीं कर रहा, खाली बैक पॉकेट का घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं लाइफ में कर रहा है। और लोगों की बात नहीं सुनता, बिकॉज उसको खुद पे बिलीव था कुछ करेगा, पर क्या करेगा वो भी खुद को उसको ही पता नहीं क्या करेगा। तो उसने क्या किया, एक बार उसने एक दुकान में गया, शॉप में गया, उसके पास 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ कुछ था। शॉप में गया नॉर्मल, ऐसे रेगुलर जैसे जाता है ऐसे गया। जाने के टाइम उस दुकान से कुछ घर के लिए सामान लिया, कुछ चीज़ें लिया लाइक ऑयल वगैरह वगैरह सामान लिया। तब क्या हुआ, कर्ट दही जो होता है, दही वाला आके दुकान वाले को दिया 20 पैकेट, 15-20 पैकेट दही दिया, जो कि उसको सेल करने का है। तो एक पैकेट क्या है, नीचे गिर गया, गिर के फट गया, फट के उसकी आंखों में गया, दही के ऊपर उसको आग गया। आके मैं जाने के बाद वो देखा, चीज़ें देखा, देखने के बाद वो बोला यार ये दही है। तो उसको पूछा दुकान वाले को, भैया आप कितने रुपए से आप लेते हो ये एक पैकेट। भैया ये तो मैं एक पैकेट 9 रुपए करके लेता हूँ, 10 रुपये सेल करता हूँ, और मैं डेली 20 पैकेट्स मुझे डेली चाहिए, 20 पैकेट्स 30 पैकेट्स मुझे एवरीडे चाहिए। चलो ठीक है भैया। तो उसने क्या किया, उसने एक शॉप में गया, दूसरी बुक स्टोर में जाके जो कि कर्ट के जो भी दही के जो भी एक बुक्स रहते वो खरीदा है। जो 100 रुपीज़ था उसके पास, जो 100 रुपीज़ था 70 रुपीज़ से वो बुक्स खरीदा है, उसके पास है अभी 30 रुपीज़। तो बुक्स में दही का पूरा स्टोरी लिख के, क्या क्या चाहिए दही में, क्या कौन सी चीज़ डालने से क्या होगा, कितना डालना है, क्या नहीं। तो पूरा स्टोरी पूरा स्टडी किया, पूरा पढ़ा, बुक्स को पूरा खत्म ही कर दिया, फिनिश कर दिया, पूरा माइंड सेटअप कर लिया। तो अब क्या सेटअप कर लिया, माइंड सेटअप करने के बाद उसने क्या किया, एक शॉप में गया, दूसरी शॉप में गए, वही शॉप में गया जो स्मॉल दुकान था, जो दुकान पहले गया जिधर को कर्ट देखा था, दही देखा था, वही शॉप में गया। जाने के बाद उसको दही के लिए जो जो चीज़ें चाहिए लाइक मिल्क, शुगर, जो भी चीज़ें चाहिए उसने तुरा लिया, लाइक 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, 10 रुपीज़ का लिया। चीज़ें लेके उसने अपने घर पे गया, घर पे जाकर कटोरा लिया, दही कैसे बनाते हैं उस सिस्टम में बनाया, जैसे बुक स्टोरी पर आया, पूरा पढ़ा, पूरा स्टडी कर लिया उसने। करने के बाद ऐसा ऐसा बनाया। तो 24 आवर्स के बाद उसने क्या किया, वो जो दही बनाया, जो कर्ट बनाया, उसने क्या किया, वो चख के देखा, वो खा के देखा कैसा है। तो उसको तो अच्छा लगा, बाद में उसको फैमिली मेम्बर्स को खिलाया कि ऐसे थोड़ा ट्राई करो, मैंने खुद बनाया कैसा है बताओ मुझे खा के। तो फैमिली मेम्बर खाके बोलो बहुत ही अच्छा है। तब उन्होंने क्या किया, वही कर्ट जो भी बनाया था सबको लाइक तुरंत खिला रहा था, तो वही कर्ट लेके वही शॉप में गया जहाँ से वो चीज़ें लिया था, कर्ट बनाने के जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें लिया था, वही शॉप में गया। जाने के बाद कर्ट वाला को बोला भैया ये तुरा खा लो। तो उन्होंने बोला क्या है ये, दही है, चलो चख लो। चखने के बाद दही दुकान वाला बोला, शॉप वाला बोला भैया ये कौन बनाया, इतना मस्त बनाया, बहुत ही अच्छा है चीज़ है, आप बनाते हो क्या। हाँ भैया मैं बनाता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो मैं चाहता हूँ आपको डिलीवर करूँ, वो आपको 9 रुपया में देता है, मैं आपको 8 रुपये में 20 पैकेट दूंगा, 30 पैकेट जितना चाहिए आपको एवरीडे दूंगा, कल से आपको चाहिए तो मैं कल से दूंगा। तो दुकान वाला बोला हाँ भैया ऐसा रहता अच्छी बात है, मुझे दो, आपकी कर्ट भी अच्छी है उससे बेटर है, दही अच्छा है। तो उसने क्या बोला, ठीक है, खुश हो गया, फुल खुश हो गया, टैंक यू उनकी बोल के बोला भैया आपको एक हेल्प चाहिए मेरी, दुकान वाले को बोला एक हेल्प चाहिए मेरी, अब मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो दुकान वाला बोला क्या हेल्प चाहिए भाई तुमको। तो उसने बोला मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है जो कि उसके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस कर सके। तो उसने दुकान वाले को बोला भैया मुझे कुछ चीज़ें चाहिए दही बनाने के लिए, उधर जब भी आपको कर्ट कल डिलीवरी करूंगा या फिर डेली डिलीवरी करूंगा, आप वहाँ से जो चीज़ें आपके सामान लेता हूँ मैं वो कट कर करके माइनस कर करके आप रख लेना, और मुझे जो है मुझे देना है तो देना, नहीं तो आपको ऊपर से देना है तो मैं दे दूंगा आपको। तो बोल दुकान वाला चलो ठीक है भैया, विश्वास कर लिया, क्योंकि कर्ट अच्छा लगा, दही अच्छा लगा, खा के अच्छा लगा। तो उसने क्या किया, जो दही के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी ए टू जेड, वो ज़्यादा करके लिया, 20 पैकेट्स बनाने के लिए, जो 20 पैकेट बनाए जितना चाहिए उतना सामान लिया। तो जाके वो बनाया, बनाने के बाद क्योंकि पहले वो लाइट बनाया, थोड़ा बनाया था, और दूसरी बात उसने बहुत ज़्यादा बना लिया, तो वो कट क्या हुआ, पानी पानी हो गया, लाइक ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया। तो फुल टेंशन में आ गया, फुल टेंशन, घर वाले बोल रहे क्या काम कर रहा है चोर, सब कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। पर उसने हार नहीं मानी, उसने क्या किया,
हर गया, दूसरे दिन तुम्हारा जो जो ये है क्या बोलते हैं उसका, सॉरी शॉप है, जो शॉप में है उस शॉप में गया वो। शॉप में जाने के बाद उसको कर्ट वाला को, भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो कर्ट वाला बोला मुझे दही नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुमने जो सामान लिया था मेरे से उसका पैसा दे दो भाई मुझे। उसके पास पैसा है ही नहीं। भैया बोला और एक बार, वो रिक्वेस्ट बोला और एक बार मुझे यही सामान दे दो, अब गारंटी में बहुत ही पता नहीं कैसे क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं आपको अभी एक बार विश्वास कर लो मेरे ऊपर, मैं कर लूँगा, मैं आपको कल दे दूंगा, आप उससे ले लो, जो बंदा आया था उससे ले लो, आप आज मुझे दे दो सामान। तो उसने उसकी बात में पता नहीं बिलीव कर लिया, करके फिर से दिया वही सामान दिया। देने के बाद उसने जाके फिर से बनाया, फिर से पूरा सोच समझ के कितना डालना, कितना चीनी डालना, कितना शुगर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं कितना डालना है, पूरा सोच समझ के डाला। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दही बन गई है, पूरा प्रॉपर दही, मस्त दही बनाए, जो कि पैकिंग किया, पैकिंग करके दुकान में जाके दे के आया पैदल। तो घर वाले बाहर वाले लोग सब बोल रहे, हंस रहे उसके ऊपर, क्या कर रहा है, कुछ भी करने का नहीं, कुछ भी होगा नहीं, बेकार में लाइफ वेस्ट कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पार्ट 2 भी आएगा, कीप वॉचिंग।